हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन CBT 2 के अंदर नहीं हुआ था। अब उनका सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस हैं जिनके एक या दो मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था। तो 1 लाख कैंडिडेट्स हैं जो कि नए सिरे से रिवाइज रिजल्ट के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर को क्या है। और अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि वहां पर आपके लिए CBT 2 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ओपन करके सीधे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ पर पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहले से है तो आप मुझे सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो हम खबर देखने जा रहे हैं ये है पत्रिका.com न्यूज़पेपर से, जो मेनली राजस्थान अजमेर से प्रकाशित हुई है। और इसके अंदर बताया गया है कि 7 लाख अभ्यर्थी हैं जो देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। तो इसमें आपको बता दें, इन्होंने पहले अभी एक दिन पहले रेलवे जो अध्यक्ष हैं अजमेर बोर्ड के, उनका इंटरव्यू लिया था और कुछ जानकारी आप लोगों को दी थी जो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो इस खबर में, ये दूसरे अगले दिन की नेक्स्ट की खबर है, तो इसके तहत इनको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी जिसके रिगार्डिंग इन्होंने खबर दी है। तो 7 लाख अभ्यर्थी हैं जो देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा। और पहले जो माने जा रहे थे लगभग 6 लाख के आसपास आप लोगों को फिगर निकल के आ रहा था कि जो रेलवे की CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, और अभी ये फिगर जो है 7 लाख के आसपास चला गया है, यानी कि लगभग 1 लाख कैंडिडेट की बढ़ोतरी होने के काफ़ी चांसेस हैं। पूरी खबर आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड जुटा संशोधित परिणाम की तैयारी में, 64,000 से अधिक पद पर होंगी भर्ती। तो 64,000 समथिंग जो वैकेंसी हैं उन पर भर्ती चल रही है, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, कट ऑफ पार नहीं कर पाए कई अभ्यर्थी, ठीक है। इसको क्यों इन्होंने लिखा है, क्योंकि जो कुछ कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स आ रहे थे लेकिन आंसर की में गलती होने की वजह से 1 या 2 मार्क्स की वजह से वो रह गए थे, वो कट ऑफ पार नहीं कर पाए थे। तो अब जैसे संशोधन होगा आंसर की के अंदर, तो वो कैंडिडेट्स फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस खबर को हम पढ़ें तो रेलवे द्वारा पूर्व में जारी परिणाम में तकनीशियन वर्ग की अधिकांश कोटियों में अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए थे। इस कारण मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित 1x15 अभ्यर्थियों की संख्या भी कम रह गई। भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार नए सिरे से जारी परिणाम के बाद संभवतः अनेक अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के दायरे में आ जाएंगे। अनुमान के अनुसार नए परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 7 लाख, आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने लिखा है अनुमान के अनुसार 7 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षाएं 24 दिसंबर से प्रारंभ होंगी। तो ये एक अच्छी खबर है जो कि काफ़ी स्टूडेंट को लिए राहत की होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से होती है वो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।